हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्टेबल वर्जन 2 के ट्री टेबल के बारे में। बोल सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या फिर सब रोज टेबल। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, अब बोलोगे भाई ये सुब्रतो ये तो ऑलरेडी तुमने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ, ये तो ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। हाँ बता के रखा हुआ, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको मेहनत बहुत बहुत कम करना पड़ेगा, और आपका जो मेहनत है ना बिहाइंड द सीन, वो मटेरियल रिएक्टेबल 2 करेगा। ठीक है, अब कैसे क्या सारा कुछ समझाऊंगा, कैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है, कैसे ये बहुत ही ईजी आपके बनाता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही ईजिली। ठीक है, ये देखो, ये सब रो जैसा टेबल है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर और दो आइटम है। तो इस तरीके से जो ये बनता है, तो डेटा जो हमें खुद से नेस्टेड लेवल में, जो मैंने एग्जांपल दिया था सब रोज वाला जो चैनल पे, उसमें हमने डेटा को नेस्टेड लेवल पे, चाइल्ड लेवल पे लेके रखा हुआ कि भाई वो नेस्टेड लेवल पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से दिखाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ सब रोज लिखते हैं ना, उसका जो डेटा फॉर्मेट देखना, काफ़ी वो नेस्टेड लेवल के है, जो कि बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सोर्स में देखें जल्दी से, स्टूडेंट जेसन में, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये डेटा है, इसका अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड प्रॉपर्टी, इसमें ये डेटा है, फिर इसका भी अगर चाइल्ड है तो इसके अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी होगा। तो इस तरीके से नेस्टेड लेवल पर चलते जाता, देखो कितना ये बना दिया। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा नहीं, अगर आपका डेटा भले ही रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, कनेक्शन है चाइल्ड लेवल पे, बट डेटा का फ्लैट आपको आ रहा है और आपको कुछ नहीं मेहनत करना, आपको बस बताना है कि कैसे वो कनेक्शन क्रिएट होगा, तो आपके लिए पता है ऑटोमेटिकली इस तरह का स्ट्रक्चर मटेरियल रिएक्टेबल 2 कर देगा। आपको इस तरह से देना नहीं है कि भाई आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका भाई डेटा के अंदर इस तरह से अगर चाइल्ड है, सब रो सबको चाहिए, तो आपका फॉर्मेट भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए, मतलब चाइल्ड 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 के अंदर एक चाइल्ड, फिर उसके अंदर और एक चाइल्ड का मतलब डेटा, ऐसा को नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले कि कैसे फ्लैट लेवल का भी डेटा और रिलेशनशिप भी बन रहा है कहीं ना कहीं से, तो भी कैसे वो उसको आपके लिए ट्री स्ट्रक्चर में क्रिएट कर देगा अपने आप। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ट्री स्ट्रक्चर में, ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अपने आप ये बिल्ड कर देगा उस तरीके से, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा इस ब्रांच का। ठीक है, स्टार्टर कोड अगर आपको चाहिए तो इस ब्रांच का आपको कोड का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपल आपको कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप पे क्लिक करना, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है, npm इंस्टॉल और फिर npm रन डेव को रन कर लेना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंपली एक्सपैंड लिखना है, एक्सपैंड ये वाला एक्सपैंड पार्स ट्री, इस पर क्लिक करके फाइनल कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ तो भाई मेरे, यहाँ पे मैंने स्टार्टर कोड को ओपन कर लिया और इसको जो है रन करते हैं, तो ये एकदम बेसिक टेबल होगा। ठीक है, अगर ये रन हो जाता है सक्सेसफुली तो ये एकदम बेसिक टेबल, कहीं पर भी यहाँ पे एक्सपेंडिंग फीचर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एकदम, अगर फ्लैट लेवल का डेटा है मतलब बहुत ही ईजिली कैसे कर सकते हैं। ऐप डॉट जे एस एक्स ओपन करते हैं और कॉलम्स को यहाँ पर जो है ना कॉलेप्स कर देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक फीचर देंगे, इनेबल एक्सपेंडिंग को ट्रू कर देंगे। ठीक है, इनेबल एक्सपेंडिंग ही तो है, हाँ इनेबल एक्सपेंडिंग, जिसको ट्रू लिख देना है, बस हो गया। लेकिन अभी नहीं हुआ, रुक जाओ। तो ये करने से एक्सपेंडिंग वाला फीचर आ जाएगा, आपको डिसेबल दिखेगा। ठीक है, तो अब मान के चले उस तरह का हमारा, तो यहाँ पर डेटा जो है एकदम उस तरह का रिलेशनशिप में तो है नहीं, तो यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल K0 प्रेस करते हैं तो सारा डेटा ये हो गया। तो अभी ना क्या करते हैं, रुक जाओ, कुछ नीचे आके ना सारा को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उतना हमें चाहिए नहीं, फिर समझाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी को हम डिलीट करते रहे यहाँ पर। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 19 डेटा है। ठीक है, और भी डिलीट कर देते हैं, मतलब जितना कम होगा ना उतना इजीली हम आपको समझा पाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ। और कोई इसको हटा देते हैं, हाँ ये हो गया। अब देखते हैं तो टोटल 9 डेटा है। ठीक है, हाँ बहुत सही है। अब यहाँ पे कुछ ना उस तरीके का रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं, तो जैसे मान के चलते इसका आइडिया वन है ना, तो ऐसा करते हैं हर एक में ना क्या करते हैं, देखो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, आईडी को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करके रखना है, मान के चलो प्रेस करके रखे 30 सेकंड तक, जो भी है कह रहे हैं मतलब सारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा देर प्रेस करके रखें ना सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है, और एरो देंगे और एक इंटर प्रेस करेंगे, मल्टीपल हो जाएगा कहने का मतलब ये है। ठीक है, और कुछ भी लिखेंगे नहीं भाई, कि रुको यार नहीं हुआ, रुको फिर से सेलेक्ट करते हैं आईडी को। ठीक है, और सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किए, अब लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे एक बार इंटर, फिर लिखेंगे यहाँ पे पेरेंट आईडी। ठीक है, और वैल्यू देंगे नल। अब ध्यान से समझना, नल क्यों दिए समझना, जो जो रूट लेवल का जो फर्स्ट लेवल पे क्रिएट हुआ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, मतलब मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता, तीन को जोड़ो तीन को जोड़ो तीन को जोड़ो, अरे भाई जो सीईओ है टॉप पे, वो तो किसी के ऊपर नहीं है ना, वो तो टॉप पे, तो कहने का मतलब कुछ मेंबर जो है सबसे टॉप पे रहेंगे और बाकी
क्या होंगे भाई, बाकी चाइल्ड होंगे ना, तो जब वो चाइल्ड होंगे तो उनका कुछ पेरेंट आईडी होगा, समझ रहे हो। तो मान के चलते ये जो है ये पेरेंट नल, कहने का मतलब ये हुआ कि टॉप लेवल पे, समझ रहे हो, जो जो पेरेंट नल होगा उसका, यानी कि उसके ऊपर कोई नहीं, वही टॉप पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सबको तो टॉप पे नहीं रखेंगे, कुछ तो चाइल्ड भी होंगे। तो जैसे मान के चलो ये चाइल्ड है किसी का, तो पेरेंट आईडी 1 दे देते हैं, यानी कि 1 जो आईडी है उसका चाइल्ड ये वाला आइटम है, जिसका खुद का आईडी 9 है, बट वो चाइल्ड किसका है, 1 वाला आईडी का, इसीलिए पेरेंट आईडी, यानी इसका पेरेंट कौन है, 1 1, यानी जिसका आईडी 1 है ये हो गया, ठीक है। लेकिन 1 का कोई पेरेंट नहीं है, इसलिए नल है, ये टॉप लेवल है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से कुछ डमी इस तरीके से रैंडम कर देते हैं कि मान के चलो इसका भी पेरेंट आईडी दे देते हैं 8वां नंबर का भी 1, यानी कि एक का जो है ना, एक वाला आईडी का 2 चाइल्ड है, यानी 2 स्टेट लेवल पे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मान के चलो कि 8 के अंदर भी अगर कोई चाइल्ड सेट करना है तो क्या करेंगे, ये 7 नंबर को है इसका सेट करते हैं पेरेंट आईडी 8, यानी कि ये 8 के अंदर आएगा। इसका भी अगर सेट कर देते हैं पेरेंट आईडी 8, यानी ये जो है ये दोनों 6 और 7 जो है 8 के अंडर में आएगा, समझ गए। इस तरीके से और बाकी का नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो फिर भी यहाँ कुछ खास असर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डेटा है तो कोई फ्लैट लेवल पे, भले ये अभी रिलेशनशिप बना लिया है चाइल्ड नेस्टेड का, लेकिन डेटा हमारा तो फ्लैट लेवल पे, ऐसा थोड़ी कि चाइल्ड प्रॉपर्टी फिर उसके अंदर है, फिर चाइल्ड प्रॉपर्टी फिर उसके अंदर है, फिर चाइल्ड प्रॉपर्टी फिर उसके अंदर डेटा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो फ्लैट लेवल पे, लेकिन अभी इसको कैसे करेंगे वो चीज़ वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप में ये काम होगा। पहला, आपको ना सबसे पहले मेटल रिलेट टेबल को ना आपको रूट लेवल का डेटा देना पड़ेगा, यानी जो एकदम टॉप पे है, समझ रहे हो, जो टॉप पे है, कहने का मतलब कि जो एकदम टॉप पे है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो एकदम टॉप पे, समझ रहे हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे है आईडी 1, ये एकदम टॉप लेवल के ये लोग हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे ये वाला 8वां नंबर है, नहीं आईडी इसका 6ठा नंबर है, इसका पेरेंट आईडी 8 है, यानी कि ये किसी का चाइल्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हमें वो वाले सबसे पहले रेंडर करवाना है, ऑब्वियसली ना, फर्स्ट में तो वही रेंडर होगा ना जो टॉप पे है। तो कैसे करेंगे, वो हम लोग फिल्टर कर देंगे जिनका नल है, यानी कि जो टॉप पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं कॉन्स्ट रूट डेटा इक्वल्स टू, कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे देंगे हम लोग जो हमारा एक्चुअल डेटा है स्टूडेंट्स, जो हम लोग इंपोर्ट किए हैं, ये रहा स्टूडेंट्स, है ना, डॉट, यहाँ पे लगते हैं, लिखते हैं फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट, हर एक आइटम जो लूप चलेगा, ठीक है, स्टूडेंट, और हम लोग यहाँ पे कर ले रहे स्टूडेंट जो भी नल है, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी जिसका नल है, इस तरीके से दे सकते हैं, इसका नल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो सही है, लेकिन एक दिक्कत ये है ना कि जैसे बार बार रीरेंडर होगा ना एप्लीकेशन, तो बार बार ये एक्सपेंसिव होगा ना। मान के चलो यहाँ पे तो भाई 9 आइटम है, लेकिन 100 आइटम या 1-2 हज़ार रहे, तो बार बार ये फिल्टर रन होगा, तो रिक्रिएट होगा ना बार बार ये चीज़ जो है, तो ये एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग यूज़ मेमो हुक के अंदर डालते हैं, सेम यही चीज़ होगा, यहाँ पे जस्ट यूज़ मेमो हुक करेंगे, तो वो वैल्यू को ना, जो वैल्यू बन रहा है उस वैल्यू को ये कैश, मतलब कि उसको मेमोइजेशन बोलते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ताकि वो बार बार रिक्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखेगा कि ये तो सेम था भाई पहले भी, अभी भी सेम है, तो वो रिक्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन देना, जिसमें कि आपको रिटर्न कर देना, रुक जाओ भाई गलत हो गया, यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। यूज़ मेमो हुक के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करना, जो कि रिटर्न करेगा हमारा वैल्यू को, ये वाला, ठीक है, एक्चुअल जो था, बस इतना ही। और कॉमा देके डिपेंडेंसी देना है कि क्या चेंज होगा जो ये फिर से रिक्रिएट होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स चेंज होता है, जो कि होगा नहीं, तो मान के चलते हैं अगर फेचिंग वचिंग कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ना कि फिर कहीं डेटा अपडेट हुआ, तो मान के चलो चेंज होगा ना, तो रिलोड करेगा, तो फिर या कुछ भी रिरेंडर होता है, तो फिर से ये रिक्रिएट होगा, वरना ये सेम ही रहेगा। तो हमारा एक तरह से फ़ायदा हो गया। अब क्या करते हैं, इस रूट डेटा को ना हम लोग यहाँ पे डेटा स्टूडेंट्स में रूट डेटा पास करते हैं, इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं। तो देखो रिलोड नहीं किए तभी हॉट रिलोडिंग होता है, और देखो यहाँ पे आप 9 नहीं दिख रहा, 5 ही आइटम है, क्योंकि वो 4 आइटम जो है वो चाइल्ड है, इससे पहले देखे थे ना, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, तो 9 दिखता होगा, अभी 5 दिख रहा है, क्योंकि बाकी जो आइटम है वो आपका वो चाइल्ड है ना, 4 जो आइटम है वो चाइल्ड है किसी का, आप देख सकते हो ये फाइल में जाके जो हमने अभी किया हुआ। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, जो मेन काम है, जो क्या होगा कि मेटल रिएक्टेबल वर्जन 2 वो क्रिएट करेगा हमारे लिए, उस तरह का ट्री क्रिएट करेगा नेस्टेड लेवल, वो कैसे होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी देना गेट सब रोज, ठीक है, स्मॉल में होगा गेट सब रोज, इस तरीके से, ठीक है, गेट सब रोज देना, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना जिसमें कि हमें रोज मिलने वाला, या रो लिखते हैं, देखते हैं हम नोट्स में क्या लिख के रखें, रो या रोज है, रो है, ठीक है। तो हर एक रो मिलेगा, तो कहने का मतलब कि हर एक रो, यानी कि ये जो एक रो, 2 रो 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में बताएंगे कि किसका जो है यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, किसका चाइल्ड मतलब है एक्चुअल में, जो हर एक रो मिलेगा ना, तो हर एक रो का तो कुछ आईडी होगा, और आप ध्यान से देखोगे हर एक रो का जो आईडी है ना, वही आईडी उसका चाइल्ड का आईडी। जैसे कि अगर एक नंबर देखें, ये जो आईडी है, तो ये एक नंबर कहाँ है, एक नंबर का नीचे आएंगे, तो इसका जैसे चाइल्ड ये हुआ, तो इसका पेरेंट आईडी में 1 है, ठीक है। ये भी इसका चाइल्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसका पेरेंट आईडी इस वाले आइटम का आईडी नंबर 9 का जो है पेरेंट आईडी 1 है, तो ये दोनों इसका चाइल्ड हो गया। तो वही जो लूप चलेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे देना होगा डेटा, डेटा नहीं सॉरी
स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्चुअल हमारा जो ओरिजिनल डेटा है स्टूडेंट्स डॉट एम फिल्टर चलाएंगे और हमें बताएंगे कि इनको कि भाई कौन सा वाला मैच कर रहा है, वही उसका चाइल्ड है। अभी समझ में नहीं आता होगा थोड़ा सा, लेकिन सिंपल है। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट हर एक आइटम के लिए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का पेरेंट आईडी मैच कर जाएगा इस करेंट रो के, हर एक जो लूप चल रहा है हर एक रो का आईडी के साथ, तो इस हम कैसे मैच करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे रो, यानी ये जो फंक्शन में रो आया रो डॉट आईडी, क्योंकि रिलेशनशिप तो ऐसा ही बन रहा है ना कि पेरेंट आईडी के साथ आईडी मैच कर जाएगा, तो यानी कि वो उसका चाइल्ड है। जैसे कि अगर देखें तो इसका आईडी अगर 1 है तो ये वाला ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये 8वां नंबर का ऑब्जेक्ट कैसे मैच करेगा, इसका पेरेंट आईडी 1 है और उसका अपना आईडी 1 है, मैच किया ना, तो फिर उसका चाइल्ड हो गया है ना, स्टूडेंट डॉट आईडी, यानी जो एक्चुअल चल रहा है पूरा एक्चुअल डेटा रो डॉट आईडी, करेंट रो का आईडी के साथ वो मैच कर जाएगा। अब सबके साथ मैच नहीं करेगा, जो उसका चाइल्ड होगा वो मैच करेगा ना, जो ओरिजिनल है हमारे पास, ठीक है, यानी जो ये पूरा का पूरा फाइल है उससे मैच करा रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है लेकिन सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, जो यानी करेंट रो चल रहा है ना उसके साथ हम लोग मैच करा रहे हैं, जो करेंट रो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रो मिला करेंट रो चल रहा है तो उसमें हम लोग बता रहे हैं कि कौन कौन सा मैच कर रहा है चाइल्ड आइटम के साथ, यानी ओरिजिनल डेटा के चाइल्ड आइटम के साथ, ठीक है। ये जो गेट सब रोज है ना ये हमारे लिए आइडेंटिफाई कराएगा, तो कैसे वही चीज़ बता रहे हैं, जो करेंट गेट सब रोज में क्या हो रहा है कि हर एक आइटम के लिए हर एक रो के लिए एक एक बार लूप, मतलब एक एक बार वो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करें कि ओरिजिन हम लोग बता रहे हैं कि भाई इसका कौन कौन चाइल्ड है, तो वो कैसे बता रहे हैं कि या फिर कितना चाइल्ड है, तो हर एक आइटम के लिए एक बार लूप चल रहा है और हर एक बार रो में ना हर एक रो मिल रहा है डेटा एज ऑब्जेक्ट में। तो जो ओरिजिनल डेटा स्टूडेंट डॉट फिल्टर उसमें हम लोग पता करके बता रहे हैं कि भाई जिसका जो है जो भी स्टूडेंट का पेरेंट आईडी मैच कर जाएगा अभी के रो के आईडी के साथ, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट का पेरेंट आईडी, तो मान के चलो पहले वाला के साथ पहले का मैच ही नहीं करेगा क्योंकि नल है, इसी तरह घूमते घूमते आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे देख लो कि इसका जो है स्टूडेंट का पेरेंट आईडी, यानी कि इसका पेरेंट आईडी 1 है, मैच कर जाएगा रो आईडी के साथ, ठीक है, रो डॉट आईडी, यानी कि आपका बोल लो इसमें आया तो रो डॉट आईडी का 1 है ना इसका, तो ये मैच करके तो इसका चाइल्ड में आ गया, ठीक है, इसमें मैच ही नहीं करेगा ना क्योंकि इसका जो पेरेंट आईडी होगा दीपेंद्र टंडन का, अब देख लो सिंपल देख लो, सिंपली समझाते हैं, दीपेंद्र टंडन का जो है कहाँ गया भाई, ये रहा, इसका पेरेंट आईडी नल है, ठीक है, इसका पेरेंट आईडी नल है, तो ये तो टॉप लेवल पे हो गया मान के चलते हैं, है ना। लेकिन लेकिन दीपेंद्र का जो है इजीली समझाते भाई, हो पता है थोड़ा कन्फ्यूजन है, रुको रुको रुको, स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी, ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी यानी कि जो ये जो है स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी हर एक आइटम को जो है ये मैच कर रहा है क्या भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है पता है, रो डॉट आईडी के साथ, लेकिन ध्यान समझो ना समझ में आ जाएगा, आपको लग रहा है कि नहीं भाई सुब्रत तो कन्फ्यूज करते रहा, अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो सिंपल एक लाइन है भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं समझा रहा हूँ तो मैं ही खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बट मैंने ये इसको समझा तभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो है सिंपल, बस आपको गेट सब रोज में बताना होगा कि कौन कौन सा उसका चाइल्ड है, समझ रहे हो, तो भाई सारा थोड़ी चाइल्ड है, ठीक है, जो उसके रो के आईडी के साथ, यानी कि ये जो रो का आईडी है ना, अगर इसके बात कर रहे हैं इस रो का, तो इसका रो के आईडी के साथ जो है किस किस आइटम का पेरेंट आईडी मैच कर रहा है, वो दो आइटम मैच कर रहा है ना, 8वां 9वां नंबर, तो इसका चाइल्ड हो गया। अब ये जो रो है इसका आईडी अगर देखे, हाँ समझाते देखो, अगर सेकंड का है दीपेंद्र टंडन, इसका आईडी कितना है, इसका आईडी दीपेंद्र टंडन का आईडी है 2, ठीक है, तो ये 2 जो है ये जो रो डॉट आईडी है, यानी दीपेंद्र टंडन है ना सेकंड बार में ये ठीक है, इसका आईडी क्या है 2 है, तो 2 के साथ किस किस स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी मैच कर रहा है, देख लो पेरेंट आईडी कहीं है जिसका 2 है, कहीं नहीं होगा हमको लगता, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से ये काम करें, इसको सेव करते हैं, और तो देखिए यहाँ पे बन गया ना ऑटोमेटिकली, देखिए ये बन गया, ठीक है, अब इसके अंदर और दो आइटम है ना, इसके अंदर और दो आइटम है, ये देखो है ना, बाकी का क्यों नहीं बना, क्योंकि वो मैच ही नहीं किया, दीपेंद्र टंडन या आयुष्मान में क्या है भाई, नाम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ नहीं पा रहे, मेहोत्रा या क्या है मेहोत्रा या पता नहीं जो भी है, ठीक है, तो सुभाषिनी या जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आइटम्स है तो इनका भाई ये इनका जो आइटम हर एक बार लूप चल रहा है ना, हर एक रो के लिए एक एक बार लूप चलेगा, बस हमें बताना होगा ये फंक्शन के थ्रू कि भाई किस आइटम का चाइल्ड कितना है या कौन मैच कर जा रहा है, तो बाकी का मैच ही नहीं किया, दीपेंद्र टंडन का जब यहाँ पे आया तो ये मैच करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो है रो डॉट आईडी कितना था 1 था, अब किस किस स्टूडेंट का पेरेंट आईडी में रो डॉट आईडी यानी 1 है, तो भाई ये दो आइटम है ना, दो आइटम इनका पेरेंट आईडी 1 है, तो ये दोनों इसका चाइल्ड आ गया, ठीक है, जब इसको ओपन किए तो भाई ये जो है चित माता या पता नहीं क्या है, तो इसका जो है अब इसका चेक होगा कि इसका जो ये है क्या बोलते हैं, इसका जो आपका आईडी है, इसका जो आईडी है वो क्या है, इसका आईडी है 8, ठीक है, तो अब हम लोग बताना होगा कि 8 नंबर आईडी जो है किस किस स्टूडेंट का पेरेंट आईडी 8 नंबर, तो यहाँ पे चेक किया तो पेरेंट आईडी जो है ये देखो इस आइटम का 8 है और इस आइटम का पेरेंट आईडी 8 है, तो वो दोनों उसका चाइल्ड सेट हो गया, तो हम लोग बस वो फिल्टर करके बता दे रहे हैं, सिंपल एक लाइन का आपको बार बार समझा रहे ताकि हमको लगे कि ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है।
तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है और कैसा बहुत ही इजी तरीके से अगर आपका फ्लैट लेवल का डेटा है तब भी आप ट्री लेवल स्ट्रक्चर में दिखा सकते हो टेबल, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो मेरे से, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको सारा आंसर या सॉल्यूशन वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।